ही नहीं रहा, आवाज देने पर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। देखिए यहाँ पर कौन है, शेरू यहाँ से झांक झांक के देख रहा है क्योंकि वहां पे डॉग्स खड़े हैं। टको कर रहा है पूजा, मम्मी यहाँ पर कुछ काम कर रही है और संगीता भी आ गई है। सिंबो, ये जीवड़ा, ये छोटा सा जुमलू। अब जियो चीजें समझने लगी है तो वो एक जगह में रुकती नहीं है, भागती है, ट्रॉली के अंदर के सारे बर्तन निकालती है और सारे मसाले के डब्बे निकालती है और छप फैला देती है। नहीं यहाँ पे परेंद हो गए। कितना गोड़ गोड़ दिखता है बेटा, एरा से देखा नहीं जाता कोई उसके बिना खाए पिए है। संगीता को चाय नहीं पीने देगा। गुड मॉर्निंग शंभू, गुड मॉर्निंग, ले खाना खा। बाहर आना रहता है, उससे मिलने आओ तो उसको लगता है कि मेरे को बाहर निकालना चाहिए। जीयू के ना सर्दी हुई है तो मैं उसको आज लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, अच्छे से दिखा के एक बार मेडिसिन ले लेती हूँ। ऐसे तो रखी है मेरे पास, शायद डॉक्टर वही दे, लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैं उसको लेकर जाऊंगी। देखो जिम्मू क्या कर रहा है, जिम्मू क्या कर रहा है भाई। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं जा रही हूँ जियो के साथ पहले उसके डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर एक दो काम है वो निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप। जियो और नानी इज ऑल सेट टू गो। जियो, अभी हम डॉक्टर से दिखा के आ गए थे, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है 5 दिन की, उसे सही हो जाएगा। फिर और को जो भी काम था वो भी सब निपटा दिया, अभी हम जा रहे हैं घर, है ना जियो। मैं रुकी हूँ रास्ते में क्योंकि मम्मी गई है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब लेने के लिए, इतनी धूप लग रही है और मम्मी जल्दी आ ही नहीं रही है। जस्ट पहुँचे हैं और ये बच्चा घर के अंदर भी नहीं आया, सीढ़ी चढ़ गया है। जब तक मैं लॉक खोलूँ, डोर खोलूँ, सब करूँ, उतने देर में ये बच्चा यहाँ ऊपर आके बैठ गया। बस ऑफिशियली स्टार्ट हो गए हैं, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़े से काम के लिए बाहर जाओ बहुत थकान हो जाने लगी है। तो है जिम्मू, चले अंदर चलेगा, पानी वानी पियेंगे पहले, है बेटू। गुल्लू है तो कितना प्यारा है रे। जियो की जेब में देखिए पैसे, जियो की जेब में तो पहिया है भाई। किसने दिया बेटू पहिया तुमको, है मम्मा ने दिया है, नानी माने। सिम्बू शेरू को घुमाने लेके आई हूँ, सिम्बू तो यहाँ, शेरू तो यहाँ पर है, सिम्बू तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आवाज़ देने पर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सिम्बू कुटे, सिम्बू दादा कुटे। इसका दादा ना बहुत ही बेकार हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसको देखती हूँ यार, पहले दिख नहीं रहा मेरा बच्चा। शेरू दादा कहाँ है, सिम्बा रुक जाइए, मैं उसको पहले ढूंढ लूँ यार, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो देखिए वो कहाँ गया है, देखिए एक मिनट, दिख रहा है ये दिख रहा है, यहाँ वो जाके उसने पॉटी करी है, यहाँ उसको बड़ी शर्म लग रही थी। नहीं कहती कि सिम्बू बहुत बदमाश है, वो इतनी दूर जाके वहाँ पे पॉटी करने में लगा हुआ है, क्योंकि मेरा ध्यान रोड तरफ रहता है कि वहाँ से बाहर ना निकल जाए, अंदर वो चाहे घूमते रहे। अब वो वहाँ पे झाड़ी पे लगी है, पूरे ऐसे घास वास लगी, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। आ जा सिम्बा, आ जा बेटू, कम नहीं।
मसाज वो करवा लो किसी से, कोई भी कर दे, फिर सब चलता है उसको। हाँ अच्छे से कर, वो पार्लर ही वाली है, वो अच्छा मसाज करेगी। लल्ला आए लल्ला हुआ, चलो तुमको चैलेंज करता है, शेरू से मुंह गोरा बना के दिखाओ। खाए के लिए यहाँ पे रुका है, नारियल के लिए, नारियल खाएगा शेरा। शेरू को नारियल इतना ज्यादा पसंद है कि नारियल जब भी घर में आता है तो सबसे पहले उसको हमको प्रसादी चढ़ानी पड़ती है। कैसे खा गया, शेरू अपना नारियल भी खा गया, फिर सिंबू को जो दिया था वो भी खा दिया। अब शेरू सिंबू को मैंने दूसरा नारियल दे दिया। अरे शेरू मोर 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 खाएगा, दादा को खाने नहीं देता है, खाने नहीं देता है। मम्मी के पास कैसे ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि इनको नेक मसाज चाहिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गेंग 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 जीव को मैं नीचे लेकर आई हूँ, बढ़िया से वो यहाँ पे अभी वॉक कर रही है पकड़ पकड़ के, है ना जीव। ये हम सब्जी ले लिए थे, टमाटर और पालक भूल गए थे लेके आना, तो वो ले आई हूँ, कल सुबह में नाश्ते के काम आएगा। पालक के पराठे बनाएंगे हम कल, पालक के। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। Stay tuned to our channel.